बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने विपक्षी सांसदों द्वारा उपराष्ट्रपति के मिमिक्री को लेकर कांग्रेस और विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और विपक्षी दलों के सांसद ने संसदीय मर्यादा को तार तार किया है, एक किसान और किसान नेता का अपमान किया गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर हमला बोलते उन्होंने कहा कि ललन सिंह मुंगेर से सांसद हैं, लेकिन मुंगेर लोकसभा में सिंचाई को लेकर कोई जानकारी नहीं है, यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से इसका विरोध करती है और पूरे देश में आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिस तरह का कुकृत्य कांग्रेस के इंडी गठबंधन के लोगों ने किया है, तृणमूल पार्टी के सांसद के द्वारा किया गया, यह स्पष्ट दिखलाता है किसान विरोधी है। किसान नेता को उपराष्ट्रपति बने हुए नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए ये लोकतंत्र का मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं। सर, जिस तरह से कह रहे हैं कि सर एमपी सस्पेंड हुए, कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन मेरे वीडियो को दिखाया जा रहा है। आप गलत करेंगे तो किसका वीडियो दिखाया जाएगा? जो लोग अपने संवैधानिक पद पर बैठे लोगों का सम्मान नहीं करते हो, इससे बड़ा लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि राहुल गांधी जी फोटो बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उनको तो शर्म लगना चाहिए। ये लगता है कि नाराज जी करेंगे, लोग नाराज नहीं है, आप लोग करें कि नाराज नहीं है। देखिए, मेरे बड़े भाई और मुंगेर के सांसद, उनको ये तक पता नहीं है कि किसानों को पिछले 3.5 वर्षों से पानी नहीं मिल रहा है, वे स्वयं चिट्ठी लिख रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि उनको किसी भी स्तर पर यहाँ बिहार में कुछ पता नहीं है। उसी तरीको वो भी बदल जाएंगे लगता है क्या? उसी तरीको जेडीयू का रखी है। ये जनता दल यूनाइटेड का अंदरूनी मामला है। नीतीश कुमार जी का तो भरोसा जरूर उठ गया है कि राजद से मिल गया। पटना सिटी क्षेत्र के मनोज कमलिया स्टेडियम में महिला क्रिकेट का आयोजन भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर शुरू किया गया। भाजपा क्रीड़ा मंच की ओर से महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, स्थानीय विधायक पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव और गणमान्य लोग भी शामिल हुए। सभी ने महिला क्रिकेट टूर्नामेंट पर प्रकाश डाला और कहा कि इससे महिलाओं को आत्मशक्ति प्रदान होगी और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि काफी सराहनीय कार्य क्रीड़ा मंच द्वारा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी क्रीड़ा मंच के द्वारा लगातार कई वर्षों से इस प्रकोष्ठ के द्वारा सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो भारत बढ़ा था, उनके याद में यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट का कार्यक्रम किया जाता है। ये एक ऐतिहासिक कार्य है। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी को इस क्रिकेट टूर्नामेंट के माध्यम से हम लगातार याद करने का प्रयास कर रहे हैं। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, ज़िपलाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी।